ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ? ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಚಾಯ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು, ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 24/7 ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೋರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. इंशियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ. दोस्तों आज फ्राइडे रात 11 बजे जो है कर्फ्यू स्टार्ट हो चुकी है. 10 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट हो चुकी है. आप देख सकते हैं मेरे पीछे टैनी रोड सर्कल में किस तरह से पुलिस का बैरिकेड लगाया गया है. जी हाँ दोस्तों, जो भी गाड़ी आ रही है उसको जो है पुलिस यहाँ पर पकड़ रही है और उनकी छानबीन कर रही है, उनको पूछताछ कर रही है कि किस वजह से, जब आपको पता है कि कर्फ्यू स्टार्ट हो चुकी है, आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है. जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट के बताए हुए रूल्स के हिसाब से आज रात 10 बजे से मंडे मॉर्निंग सुबह 5 बजे तक जो है कर्फ्यू रहेगी. आज जो आप ये देख रहे हो ये शुरुआत है, कल भी इसी तरह का माहौल रहेगा और इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा और परसों भी रहेगा. और अगर कोई बेफुसूल बेवजह गाड़ी में आ रहा है, जैसे कि कोई नौजवान लड़के या अगर कोई लड़कियां गाड़ी में बेफुजूल आ रही है, तो उनकी जो है गाड़ी सीज किया जा सकती है और उनके कानूनी जो है कार्रवाई की सकती है. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ फूड एसेंशियल्स को जो है परमिशन दी गई है, और जो दुकानें हैं, ग्रोसरीज़ की दुकान है, राशन की दुकान है, जो फूड सप्लाईज जैसे कि बेकरी हो या मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, ये सब खुली रहेगी. इसके अलावा एक भी दुकान खुली नहीं रह सकती. और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कर्फ्यू में बाहर मत आइए, और अगर आ गए तो आपकी गाड़ी पकड़ ली जाएगी. तो बेफुजूल प्रॉब्लम से मत पड़िए. आपको घूमने के लिए, फिरने के लिए वक्त बहुत है, मंडे से फ्राइडे तक आपके पास टाइम है. लेकिन जब कर्फ्यू लगाई दी गई है तो प्लीज़ अपने घरों में रहिए और बेफुजूल आकर यहाँ पर मत फंसिए. अगर आप फंस जाओगे तो याद है ना लास्ट टाइम का जो लॉकडाउन था, किस तरह से गाड़ियाँ सीज की थी, किस तरह से लोग पुलिस स्टेशन के सामने चक्कर लगाते रहे गाड़ी छुड़ाने के लिए, और बहुत से लोगों ने जो है कोर्ट में जाकर अपनी गाड़ियों को रिलीज़ कराई थी. तो और वो मत भूलिएगा, जिस तरह से एम्बुलेंसों का दौरान चलता रहा था, जिस तरह से लोग मरते गए थे सिर्फ कोरोना की वजह से, तो बस यही प्रॉब्लम से फिर से जो है कर्फ्यू लगाई गई है. अगर हम अपने घरों में रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम सही सलामत रहेंगे, तो शायद आने वाले दिनों में जो है ये कर्फ्यू निकल जाएगी, लॉकडाउन नहीं रहेगा. जी हाँ दोस्तों, अगर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने बताया है कि अगर इन 2 हफ्तों में कोरोना कंट्रोल हो जाता है तो हम जो है इस लॉकडाउन को, इस कर्फ्यू को निकाल देंगे. अगर इन केस कंट्रोल नहीं हो रहा है, केसेस बढ़ते जाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल होगा कर्फ्यू को निकालने का, और देर आर चांसेस दैट द कंप्लीट बैंगलोर विल बी लॉकडाउन. मैं आपको बता दूं, बैंगलोर जो है रेड जोन है. आज का टोटल एक्टिव केसेस जो है 5000 चेंज है. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक दिन में जो है 5000 से ज़्यादा केसेस एक्टिव हैं. तो प्लीज़ डू नॉट कम आउट ऑफ योर हाउस, प्लीज़ सेफ, स्टे बैक एट होम.